हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों का झड़ना रोक सकते हैं। दोस्तों, जिनके बाल काफी मात्रा में झड़ते हैं, वे इससे काफी परेशान रहते हैं, और जब भी वे बाल बनाते हैं उनके सिर से काफी बाल झड़ते हैं, और ज्यादा बाल झड़ने के कारण गंजेपन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और आज यह समस्या किसी निर्धारित आयु वर्ग तक सीमित नहीं रह गई है, आज यह हर वर्ग के आयु में देखी जा सकती है। 15 से लेकर 40 की आयु के मनुष्य इस समस्या से ज्यादा प्रभावित होते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही आप नहाकर बाहर निकलते हैं और पोंछने के लिए तौलिया का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही उसमें बहुत सारे बाल आ जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब परेशानियों से बचने के लिए आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कारगर है, जिसको आजमाकर आप अपने बालों का झड़ना बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। बहुत ही नायाब नुस्खा है दोस्तों। तो दोस्तों, आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं इस नुस्खे के जरिए। और इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत होगी, उनमें पहला है लहसुन और दूसरा है नारियल तेल। तो फ्रेंड्स, अब हम इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले पा सकें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हम इस नुस्खे को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले लहसुन की 8-10 कलियों को हमें पीसना है। तो हम पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, इनको बारीक कर लेते हैं। हमने लहसुन को ग्राइंड कर लिया है, इसको बारीक कर लिया है। अब हम इसे कपड़े की सहायता से या छलनी की सहायता से इसका रस निकाल लेते हैं। आप इसे कपड़े की सहायता से भी निकाल सकते हैं, छलनी की सहायता से भी आप इसका रस निकाल सकते हैं। हमने इसका रस निकाल लिया है। अब हमें फ्रेंड्स, उसके बाद हमें लहसुन के रस का 1 चम्मच लेना है। अब इसमें हमें कोकोनट ऑयल 2 चम्मच ऐड करना है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, यानी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, लहसुन को एक औषधीय दवा के रूप में काम में लिया जाता है। इसमें मौजूद औषधीय गुण कैल्शियम, जिंक और कई अन्य खनिज जैसे यौगिकों का संचार करता है, जिनसे शरीर में मौजूद विभिन्न जीवाणु संक्रमण के खिलाफ लड़ने में मदद मिलती है। बालों की जड़ों पर लगाने से ये बालों के ब्लड प्रवाह को बढ़ाते हैं। इससे सिर के बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों का झड़ना कम हो जाता है। इससे बाल लंबे और घने होने लगते हैं। लहसुन के उपयोग से बालों में पड़ रही जूं और रूसी भी दूर हो जाती है। अपने यही गुणों के कारण लहसुन बालों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। फ्रेंड्स, अब आपको इस तेल को उंगलियों की सहायता से स्कैल्प पर बालों की जड़ों तक हल्के हाथ से मसाज करनी है। धीरे धीरे आपको मालिश करनी है। 4 से 5 मिनट तक आपको अपने स्कैल्प की बालों की जड़ों में मसाज करनी है उंगलियों की सहायता से। आप इसे बालों की जड़ों से लेकर बालों के सिरों तक लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपको स्कैल्प पर कोशिश करनी है लगाने की और मसाज करने की। उसके बाद आपको एक तौलिया लेना है और उसे गर्म पानी में डुबोकर इसे सिर के चारों तरफ बांध लेना है। इस विधि से आपका सिर सारे तेल को अपने में समाहित कर लेगा और 15 मिनट तक आप उसको ऐसे ही रहने दें। 15 मिनट के बाद आप अपने बालों को वॉश कर लें किसी अच्छे शैम्पू। मजबूत बालों और हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप इस विधि का उपयोग हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। फ्रेंड, मजबूत बालों और हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप इस विधि का उपयोग हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। बहुत ही कारगर नुस्खा है दोस्तों, आजमाया हुआ नुस्खा है। आप इस नुस्खे को जरूर आजमाइए। अगर आपके बाल झड़ते हैं या गंजेपन की स्थिति पैदा हो गई है, तो इस उपाय को जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेमेडी। आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों, आप इस उपाय को अपनाइए और फायदा उठाइए, और हम मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।